जंगे मोता में ईसाई फौज की तादाद 1,00,000 थी जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3,000 थी। इस जंग में मुसलमानों के 3 अजीम सिपहसालार एक के बाद एक लगातार शहीद हो गए। मुसलमान फौज के चेहरे मुरझा गए थे। ये सूरत हाल देखते हुए मुसलमानों के लश्कर ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना सरदार चुन लिया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर फौज की कमान संभाली और मुसलमानों को ललकार कर लड़ाई पर आमादा किया और फिर इस होशियारी से दुश्मनों के लश्कर पर हमला किया कि रोमियों के छक्के छूट गए और फिर आखिरकार रोमी फौज मुसलमानों के मुकाबले से फरार हो गई। इस जंग में मुसलमानों का जिंदा बचकर आ जाना बहुत बड़ी फतह की बात थी। इस जंग में कुल 12 मुसलमान फौजी शहीद हुए और ईसाई फौज के मरने वालों की सही तादाद मालूम ना हो सकी। इस बहादुरी और शुजात को खराज तहसीन पेश करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सैफुल्ला का खिताब अता फरमाया।